चलने में प्रॉब्लम होती है और सर एक दो मिनट भी नहीं खड़े हो पाते और कमर लेकर पूरा पेन आ जाता है। एक दो मिनट भी खड़े नहीं हो पाते, बोलते हैं कि पैरालाइज होने के चांस है, नर्व कंप्रेस हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। पहले जैसे इतनी दूर चल पाती थी, कितना चल पाते थे पहले? पूरा पेन आ जाता। अभी कोई पेन आ रहा है? अब पेन ठीक हो गया? 100% आराम है? यस सर, बस थोड़ा सा ये मसल्स भी आ रहा है हल्का। तो मेरी पेशेंट है प्रिया जी। प्रिया जी एक बार मुझे बताएंगे दीदी क्या दिक्कत होती है आपको? मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है सर, और एक दो मिनट भी नहीं खड़े हो पाते हैं और कमर लेकर पूरा पेन आ जाता है। एक दो मिनट भी खड़े नहीं हो पाते हैं? जैसे खड़े रहेंगे तो दर्द होएगा और ज्यादा दर्द आ जाता है कि, और ठंडी में भी गर्मी आने लगती है। ठंडी में भी गर्मी आने लगती है। दीदी कितने दिन से ये दर्द हो रहा है आपको? ये मुझे नॉर्मल तो 1.5 साल से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1.5 साल से? और शुरू कब से हुआ था ये? 18 लास्ट में। 18 लास्ट में, मतलब 3 साल होने को आए, पर 1.5 साल से बढ़ गया है। बढ़ गया। ठीक है। और हमेशा दर्द एक ही पैर में रहता है? नहीं सर, पहले तो स्टार्टिंग में जो लेफ्ट से स्टार्ट हुई थी मसल्स में पेन, फिर ये राइट में स्टार्ट हो गया। हाँ। कमर में पूरा पेन आ गया। ठीक है। फिर मैंने इंजेक्शन वगैरह लिया तो वो मसल्स पेन तो चला गया। हाँ। वो कमर पे आ गया, सीधे कमर में आ गया। तो अब आपको मेन दिक्कत पैर में दर्द है, राइट पैर का, और कमर में पूरी स्वेलिंग आ जाती है। और कमर में स्वेलिंग आ जाती है। और जैसे आप कितना दूर तक चल के जा सकते हो? मुश्किल से सर 2-3 कदम भी, 4 कदम भी मुश्किल हो जाते हैं। 4 कदम से ज्यादा नहीं चल पाते, मतलब 1 मिनट 2 मिनट मैक्स। इससे ज्यादा चलोगे तो क्या दिक्कत आएगी? पेन आ जाएगा और फिर गर्मी होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा। चक्कर आने लगेगा। ठीक है। तो बहुत परेशान हो, कहने का मतलब इस सिरम से। अच्छा दीदी आप क्या काम करते हो अभी? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग की तैयारी। टीचिंग की तैयारी। तो स्टडी में भी काफी दिक्कत आ रही होगी इस प्रॉब्लम की वजह से, पढ़ ही नहीं पाते होंगे। तो दीदी जैसे कि आपको हमने बताया है कि आपको L4 L5 जो आपका है उस पर डिस्क है, उसकी एंडोस्कोपी हम करना चाहते हैं। तो आपको डर लग रहा है एंडोस्कोपी से? जी सर। कितना डर लग रहा है? बहुत। बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो फिर क्यों, फिर इतने डर लग रहे हैं, तो फिर कैसे आ गए एंडोस्कोपी कराने? सर इतना सबने मतलब कह दिया कि इसकी सर्जरी ऐसी होती वैसी होती है, डरा दिया सबने ना, इसकी वजह से ज्यादा डर गया। इसकी वजह से ज्यादा डर। क्या क्या बताया है आपको लोगों ने? बोलते हैं कि पैरालाइज होने के चांस है, नर्व कंप्रेस हो जाएंगे, काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें आपको बहुत लोगों ने बताई हैं, इसलिए डर और ज्यादा। तो दीदी एक बार बताओ कि एंडोस्कोपी और आपको कुछ लोगों ने ओपन सर्जरी की भी सलाह दी होगी जी, तो आप ओपन सर्जरी क्यों नहीं कराना चाहते थे? सर उससे बहुत ज्यादा डर था। उससे और ज्यादा डर लग रहा था। ठीक है। तो बड़ा डर ओपन सर्जरी का, छोटा डर एंडोस्कोपी का, तो छोटा डर ही ज्यादा अच्छा है बड़े डर के मुकाबले, उसको झेलना ज्यादा अच्छा है। तो आज हम दीदी की एंडोस्कोपी करने वाले हैं स्पाइन की, और स्पाइन एंडोस्कोपी करने के बाद दीदी को चला के देखेंगे। अभी तो 4 कदम भी नहीं चल पाती हैं, और चला के देखेंगे कैसा चल पाती हैं, और फिर दीदी से फिर से बात करेंगे। ठीक है दीदी? ओके। इनका MRI डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, बिल्कुल पास लेके आना, पास लेके जूम करके मैं MRI डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो देखिए ये इनकी नर्व्स हैं, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास। मैं MRI डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो ये इनकी नर्व्स हैं, और अगर देखें तो ये L4 L5 एरिया है, और L4 L5 एरिया में ये बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन है, जिसकी वजह से जो नस आ रही हैं, जो नर्व्स आ रही हैं, वो दबी हुई हैं, और राइट साइडेड कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये सेंट्रल कंप्रेशन है जिससे लेफ्ट साइड की नस भी दबी हुई है, बट राइट साइड में बहुत सीवियर कंप्रेशन है जिससे पेशेंट को पेन आ रहा है, और इसी कारण की वजह से पेशेंट चल नहीं पाते हैं। और हम लोग सर्जरी के बाद इसको ट्रांसफर्मिनल रूट से लोकल एनेस्थीसिया में करके पेशेंट को फिर से एवेल्युएट करेंगे, और फिर से चेक करेंगे कि कितना आराम पेशेंट को आया है। थैंक यू। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इन द पेशेंट। पेशेंट हैज मैसिव PIVD L4 L5 की नस दबी हुई है। दीदी राइट साइड में दर्द आता है जी, लेफ्ट तो ठीक है? हाँ, लेफ्ट में नॉर्मल है। लेफ्ट वाले पैर, दोनों पैर को सीधा रखेंगे, लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाइए, इसको करने पे भी स्पाइन में दर्द आ रहा है। ठीक है। राइट लेग को उठा के दिखाई दीदी, दर्द आ रहा है। तो देखिए पेशेंट का जो स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट है वो 35 डिग्री से पॉजिटिव है। इसके ऊपर दीदी पैर नहीं जा रहा? नहीं, पेन आ रहा है। आप अच्छी तरह इस बात को रिमेम्बर कर सकती हैं कि यहाँ से आपका पैर ऊपर नहीं जा रहा है,
ये 35 डिग्रीज का 40 डिग्रीज का एंगल होगा मेरे ख्याल से, इसके ऊपर पैर नहीं कर पाएगी। ठीक है दीदी, ओके दीदी, थैंक यू। पहले जैसे कितनी दूर चल पाती थी, कितना चल पाते थे पहले? पूरा पेन आ जाता। अभी कोई पेन आ रहा है? अब पेन ठीक हो गया? 100% आराम है? यस सर, बस थोड़ा सा ये मसल्स भी आ रहा है अभी। हल्का हल्का मसल पे आ रहा है। पहले के मुकाबले कितने परसेंट फायदा लग रहा है आपको? सो आई एम डेमोंस्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इन अ पेशेंट विद वेरी मैसिव पीआईवीडी। पीआईवीडी था मैम को L4 L5 लेवल पे। और मैम कौन से पैर में दर्द आता था? राइट लेग में। राइट लेग में आपको दर्द था। राइट लेग का स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कल हम कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। पहले लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए दीदी, उठा पा रही है? ठीक है। राइट लेग को उठाइए, अपने आप उठा पा रही है? ठीक। सो नाउ एक्टिव स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि पेशेंट अपने आप उठा पा रहा है। और एंडोस्कोपी के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को इंस्टेंटली एक ही दिन में मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो दीदी आपकी आपको क्या दिक्कत होती थी एक बार फिर से बताएंगे दीदी मुझे? सर क्या कहते, चलने में प्रॉब्लम होती थी, खड़े होते थे, खड़े नहीं हो पाते थे और जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश करते थे तो पूरा पेन आ जाता था बहुत ज्यादा और पूरी गर्मी आ जाती और चक्कर आता था। अच्छा, पेन कहाँ पर आता था दीदी? कमर से लेकर पैर में। कौन से पैर में आता था? राइट में। राइट में आता था। और तो कितने दिन से आपको ये दिक्कत हो रही थी दीदी? सर 3 साल से। 3 साल से हो रही थी। और कैसे शुरू हुई है? सर बस पैरों में मसल्स में स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। और वो मसल्स में काफी पेन ऐसे ही रहता था, मेडिसिन वगैरह लेते थे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता, एक दिन काम ही नहीं करती है वो दवा। अच्छा, दवाई खाते थे तो फायदा नहीं हुआ? फिर नहीं होता था। स्टार्टिंग में कुछ काम किया, कुछ दिन बाद वो भी, कुछ दिन दवाई से फायदा आता था लेकिन बाद में दवाई से फायदा पैरों में कंपन होने लगता था। कंपन होने लगा। अच्छा दीदी, ये जो आपको दवाई ने काम करना कब से बंद कर दिया? जी सर 1-1.5 साल से तो बिल्कुल नहीं चलती। 1-1.5 साल? तो 1.5 साल से बहुत दिक्कत थी जी सर। तो इसके लिए क्या इलाज करते थे आप? सर थेरेपी लेते थे। थेरेपी लेते थे। थेरेपी से फायदा होता था? नहीं सर, बस पेन रिलीफ रहता था, मगर खड़े होने चलने में वैसे ही दर्द रहता था। तो खड़े नहीं रह पाते थे, चल नहीं पाते थे। अच्छा दीदी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो सुल्तानपुर तो बहुत दूर है यहाँ से, नोएडा से? जी सर। तो इतनी दूर से आप कैसे आए, मतलब इतनी दूर से यहाँ कैसे सर्जरी कराने? वहाँ पे भी तो करा सकते थे? जी सर, बिलिंग नहीं होता था, बहुत सी डॉक्टर से कंसल्ट किया बट ओपन सर्जरी ही सामने आती थी। हाँ। एंडोस्कोपी वगैरह लेना था। हाँ। अच्छा, तो और जगह आपको ओपन सर्जरी के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि ओपन सर्जरी करनी है जी, तो इसलिए आप चाह रहे थे कि एंडोस्कोपी करें? अच्छा, ये बात थी। तो आपने एंडोस्कोपी कल हमने आपकी करी और कल के मुकाबले आपको कैसा लग रहा है? सर 95% तो मैं ठीक लग रही। 95% आराम लग रहा है पहले, मतलब एक ही दिन में 95% आराम। और दीदी जैसे आपका स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट था वो पहले पॉजिटिव आ रहा था, हमने जब पैर उठा के देख रहे थे, आप स्ट्रेट लेग कर पा रही हो? जी सर। आप स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट तो नहीं पॉजिटिव आ रहा? नो सर। अच्छा दीदी, पहले इसके बाद आपने चल के देखा? जी सर। चलने में आराम लग रहा है? यस सर। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, एंडोस्कोपी का एक्सपीरियंस क्या है, कोई डरावनी या खतरनाक सर्जरी है? नो सर, ऐसा नहीं है। और जैसे आपको आप बता रहे थे कई लोगों ने डराया था कि पैरालिसिस हो जाएगी, क्या क्या बताया था लोगों ने? लोगों ने ये बताया था कि सर्जरी करवाने के बाद नस काम नहीं करेगी और पैरालाइज हो जाएगा। अच्छा, तो आप पैरालाइज हो गए क्या? नहीं, नहीं हुए। अच्छा ठीक है, संतुष्ट हो? यस सर। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक। हाँ तो सर, सुल्तानपुर से ये बताइए कि दीदी को दिक्कत कब से हो रही थी? लगभग 3 साल से। 3 साल से परेशान है ना? और कैसे ये परेशानी शुरू हुई? डॉक्टर साहब ये लखनऊ में रहती थी, उसके बाद में पढ़ाई पीरियड में पता नहीं एक एक पेन होने लगा, उसके बाद में डॉक्टर पैर में, तो उसके बाद में हमने डॉक्टर थे यश कुमार उनको दिखाया, उसके बाद में फिर उनको भी दिखाया। हाँ। उसके बाद में फिर लखनऊ में आपको दिखाया। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने भी लगातार ओपन सर्जरी की बात की, लास्ट में सब लोग बताते थे कि ओपन सर्जरी करनी चाहिए। उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने बताया। हाँ हाँ। तो
वहाँ भी सारा कुछ हमने करा लिया। हाँ, जांच। लास्ट में ओपन सर्जरी की बात आई, मेरा दिल गवाही नहीं दिया। हाँ, हाँ। हमने मना कर दिया सीधे कि हाँ, ओपन नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, 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 हाँ। फिर सिस्टर लखनऊ में, और इसका जो जॉब कोविड में ही इसका जॉब लग गया वहाँ पे सूरत में, असिस्टेंट बैंक मैनेजर का। हाँ, हाँ। तो उसने रिजाइन तुरंत दिला, इसको ज्वाइनिंग नहीं कराया। दर्द इतना था, परेशान। तो उसके बाद में फिर इसने आपके बारे में कहीं से पता किया, उसके हाँ। बाद में हमको बताई क्योंकि हाँ। तो हम फार्मा में ही हैं। हाँ, इसलिए पहले दुलारी बहन हमारी तो हमसे तुरंत हाँ। तो हम कहे ठीक है, तो पापा और छोटा भाई से भी बातचीत हुई। उसके बाद में हमने कहा डॉक्टर साहब को दिखा लिया जाए, फिर डॉक्टर आपको आगरा में दिखाया गया। हाँ, उसके बाद में आपने यहाँ नोएडा में अपॉइंटमेंट दिया एंडोस्कोपी के लिए। तो जब आप आए थे तो कल आप बता रहे थे कि आपको डर लग रहा था और बड़ी हिम्मत। बहुत डर लग रहा था। बहुत डर लग रहा था है ना, क्या बताया था और लोगों ने? जो पैरालिसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, कितनी भ्रांतियाँ आप सोचते हो, कितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और कितने, जैसे आप देखो आपकी बात नहीं, देखो आप तो फार्मासिस्ट हो, मेरे पास कई बार डॉक्टर लोग आके ये बताते हैं कि सर पैरालाइज तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं, सही सही है सर। तो वो इतनी भ्रांति फैली हुई है, कई डॉक्टरों ने, चिकित्सा अधिकारी हैं, हाँ, वो हैं। हाँ, उन लोगों से पूछा हमने, देखिए हम लोग फैमिली वैसे हाँ, क्योंकि पर डे मिलना है, पर डे हाँ, बैठना है। हाँ, तो बात किया तो वो लोग सीधे कहे कि यार ओपन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ, और कभी बच्चे कोमा में भी जा सकती है। अरे बाप रे, दुनिया भर का बताए, हम बहुत हाँ, घबरा गए। हाँ, हाँ, इसी कारण कल भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में अब सही है सारा कुछ। अब आपने देखा, चला के देखा, आपको कैसा लग रहा है? बड़े बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब तो चल पा रही है, सारा वजन ले पा रही है। अपने 95% आराम तो एक ही दिन में आ गया उनको, ऑपरेशन के बाद ही तुरंत ही आ गया था। तुरंत उसको आ गया था, एकदम ठीक थी अभी तक। हाँ, उसके बाद में आज सुबह चली तो और खुशी मिली हमें। हाँ, मैंने दीदी से ऑपरेशन के बाद पूछा कि दीदी आप पैर उठा के दिखाओ, आप सीधी लेट के क्यों? तो बोलती है पैर तो मैं बाद में उठा के दिखाऊंगी, मेरे को तो सीधा लेटा ही नहीं जा रहा था, मैं सीधी लेट पा रही हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तो सीधे लेटना ही पसंद। बहुत उसको कष्ट था, इतना कष्ट में। लेकिन इतने अच्छे भाई कहाँ होते हैं जो इतना दूर लेके आए और इतनी सब कुछ करें। उसके लिए तो हम बहुत दूर दूर तक जा सकते थे, दिल्ली में भी गए, मगर ये है कि सब ने जो कहा वो हमें बहुत कष्ट लगा कि इंडिया में अरे डॉक्टर ही नहीं है उस टाइप के कि। हाँ, मगर जस्ट आपका जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो आप ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ऐसा लोग जैसे बताते हैं, डराते हैं, बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि डर लगता है ऑपरेशन से, पैरालिसिस, तो आप उनको कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर साहब का सपोर्ट रहे और बढ़िया से हो जाता है, कुछ भी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खुश हैं हम, और दीदी ठीक होके वापस जा रही है एक ही दिन में, बहुत बहुत खुशी की बात। थैंक यू सर। थैंक यू।